Hello everyone, this is the fourth part of C++ tutorial, and in this tutorial we are going to learn about the variables, data types and constant. So let's start. So first of all हम पढ़ेंगे variables के बारे में कि variables क्या होता है. Variable हमारी help करता है memory में area को occupy कराने के लिए. अगर आप कोई भी number memory में store कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक area occupy करना पड़ेगा memory में. So वो area occupy करने के लिए हमारी help कौन करता है? Variable. आपको जो area occupy करवाना है उसका कुछ name तो देना पड़ेगा ना. तो नेम हम देंगे, जैसा हमने आइडेंटिफायर सीखा था उसी रूल्स को फॉलो करके हम वेरिएबल का नेम जो है वो डिफाइन करेंगे, और मेमोरी में हम एक एरिया नंबर को स्टोर कराने के लिए ऑक्यूपाई करवा लेंगे. सो इमेजिन कि ये हमारे पास एक एरिया है, मेमोरी एरिया है. इसके अंदर हम अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कैसे मेमोरी में एरिया एलोकेट होता है फॉर दैट नंबर. सो अज्यूम दैट वी हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू 10, और ए इक्वल्स टू 10 जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगी, एक बॉक्स बन जाएगा, उसके अंदर 10 स्टोर हो जाएगा और उस पर्टिकुलर बॉक्स का नाम आ जाएगा ए. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया बी इज इक्वल्स टू 20 तो उसके लिए भी सेम एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा, बी उसकी वैल्यू हो जाएगी 20. नेक्स्ट हम अगर लिखेंगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी तो सी के लिए भी एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा. 10 और 20 की वैल्यू को ऐड करके हम सी में स्टोर करवाना चाहते हैं तो इसीलिए सी का आंसर आ जाएगा 30. तो जितने भी आप वेरिएबल्स को ऑक्यूपाई करवाएंगे उसी तरह से ही मेमोरी में हमारे पास स्पेस जो है वो वेरिएबल बनाता जाएगा. बट स्पेस डिपेंड करता है, वो कितनी स्पेस लेता है ये डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल का डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट डेटा टाइप्स कि वेरिएबल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा टाइप दैट यू हैव डिक्लेयर्ड विद द वेरिएबल. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा टाइप के बारे में. सो हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल. अभी तो हमने सिर्फ रफली देखा कि हमने ए इज इक्वल्स टू 10 लिखा और वेरिएबल बन गया और मेमोरी में एरिया ऑक्यूपाई हो गया. बट इसका प्रॉपर सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है सबसे पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना होता है और फिर सेमीकोलन लगाना होता है. सो व्हाट इज द एग्जांपल फॉर दिस. हमने जैसे लिखा इंट ए. इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है जो सिर्फ होल नंबर्स को स्टोर करवाता है, और ए क्या है? वेरिएबल का नाम है जो हमने अपने अकॉर्डिंगली चूज किया है या फिर बनाया है. आप ये नेम कुछ भी रख सकते हैं, A1, माय फाइल, रोल नंबर, मार्क्स, जो भी आपको ठीक लगता है, बट दैट वेरिएबल नेम शुड बी वैलिड. वो रूल्स को फॉलो कर रहा होगा जो आइडेंटिफायर के रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल का नेम जो है वो डिजाइन करेंगे. आइडेंटिफायर क्या होता है उसको देखने के लिए आप मेरा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में देख के देख सकते हैं, उसमें मैंने आइडेंटिफायर के बारे में बता रखा है अगर आपको नहीं पता है कि आइडेंटिफायर क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल. आप कैसे इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल को? इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आप वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं. जो भी वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे वो किस तरह से कराएंगे? सो सिंटेक्स क्या है? वेरिएबल का नाम लिखेंगे हम सबसे पहले और इक्वल्स टू वैल्यू लिखेंगे. ठीक है. सो जैसे हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे लिखा था ए, वेरिएबल हमने बनाया ए, तो उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ए इज इक्वल्स टू 10. सो राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट में लिखे हुए वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है. जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल. मतलब वेरिएबल के अंदर हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं. दैट डेटा कैन बी टेकन बाय द यूजर. वो हम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप यूजर से ये डेटा ले सकते हैं, बट इनिशियली अभी आप यही समझिए. ठीक है. नेक्स्ट हम ये देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स. अभी हमने वेरिएबल को जब डिक्लेयर किया तो उसके साथ इंट लिखा था. सो इंट ने वेरिएबल को होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए बोला. ठीक है. तो डेटा टाइप्स बेसिकली होते क्या हैं? अ वेरिएबल यूज टू स्टोर अ वैल्यू इन अ मेमोरी. ये हमें पता चल गया है कि वेरिएबल जो होता है वो एक वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करता है. द टाइप ऑफ दैट वैल्यू इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप. कि जो डेटा एक वेरिएबल स्टोर करने वाला है उसकी टाइप जो हम डिफाइन करेंगे वो डेटा टाइप की मदद से ही करेंगे. सो
अज्यूम कीजिए कि आपके पास फिर से एक बॉक्स है, मेमोरी का ब्लू कलर का बॉक्स है, उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा है कि जो ब्लू पोर्शन है वो एम्प्टी पोर्शन है और जो ग्रीन पोर्शन है वो फिल्ड विद डेटा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल दी है इंट डेटा टाइप की। सो इंट सबसे पहला डेटा टाइप है और ये इंट डेटा टाइप किस लिए यूज किया जाता है, फॉर स्टोरिंग द होल नंबर्स। कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 4 bytes की कैपेसिटी होती है। इट मीन्स ये होल नंबर स्टोर करेगा और होल नंबर्स जो होंगे उसका साइज बिग होगा। जैसे ही आप इंट लिखेंगे मेमोरी में कितना एरिया ऑक्यूपाई हो जाएगा, 4 bytes डेटा जो है, डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 4 bytes का एरिया जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप इज फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, फ्लोट डेसिमल नंबर्स को स्टोर करता है। होल नंबर्स को कौन स्टोर करता है, इंट। डेसिमल नंबर को कौन स्टोर करता है, फ्लोट। फ्लोट का कैपेसिटी कितना होता है, 4 bytes होता है। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है डबल। ठीक है, डबल क्या करेगा, ये भी डेसिमल नंबर्स को स्टोर करेगा बट उन डेसिमल नंबर का साइज थोड़ा बिग होगा। और हम इसकी कैपेसिटी देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है 8 bytes, इसकी कैपेसिटी फ्लोट से डबल होती है। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, कैर। कैर की कैपेसिटी कितनी होती है, 1 byte की कैपेसिटी होती है। और एक टाइम पे ये कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर पाता है, ओनली 1 character एट 1 time। आप 1 character स्टोर करवा पाते हैं अगर आपने किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कैर लिखा है। ठीक है, ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, पर अगर आपको बेसिक आएंगे उसके बाद ही आप और डेटा टाइप को समझ पाएंगे। अगर आपको डिटेल में और डेटा टाइप समझने तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट। वॉट इज कॉन्स्टेंट, सो कॉन्स्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप की मदद लेते हैं। अगर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करने के टाइम पर जो वैल्यूज के अंदर इंसर्ट करते हैं, दैट वैल्यू इज नोन एज कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट का अनदर नेम क्या होता है, लिटरल होता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 10। अगर आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 10 तो 10 क्या है, 10 तो कॉन्स्टेंट है, पर ये कौन से टाइप का कॉन्स्टेंट है, ये है इंटीजर लिटरल। इसे हम इंटीजर लिटरल भी बोल सकते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद आपने लिखा b इज इक्वल्स टू 10.5, तो 10.5 किस टाइप का कॉन्स्टेंट है, ये है फ्लोट टाइप का कॉन्स्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा c इज इक्वल्स टू v। आपने देखा v को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है। जब भी आपको कोई कैरेक्टर इनिशियलाइज करना होता है तो आप यूज करेंगे सिंगल कोट्स का। ठीक है, तो सिंगल कोट्स में मैंने एक कैरेक्टर डिफाइन किया। इट मींस ये कौन से टाइप का कॉन्स्टेंट या लिटरल बना, ये कैरेक्टर लिटरल बन गया। उसके बाद मैंने लिखा s1 इज इक्वल्स टू कंप्यूटर। अब आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन करके हमने एक, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हमने एक वर्ड बनाया है। सो उस वर्ड को कंप्यूटर में स्ट्रिंग कहते हैं और आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स में इनिशियलाइज करते हैं। तो अगर आपने डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखी है तो उसे हम कौन सा लिटरल बोलेंगे, स्ट्रिंग लिटरल बोलेंगे। सो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा वेरिएबल के बारे में, डेटा टाइप के बारे में और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाने वाली हूँ ऑपरेटर्स के बारे में, हम ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगर आप ऑपरेटर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, थैंक यू सो मच।